फोन के साथ साथ हर रोज चार्जर का भी इस्तेमाल होता है। चार्जर को दिन में पता नहीं कितनी बार हाथ लगते हैं, लेकिन शायद ही कोई होगा जो चार्जर की तार को साफ करता हो। धीरे धीरे चार्जर की तार मैली होने लगती है और अगर वो व्हाइट कलर की है तो और भी गंदी दिखती है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही आसान सा तरीका जिससे कि हम फोन के चार्जर की तार को साफ कर सकते हैं और वो भी बिना खर्चे के। और इसी तरीके से हम हेडफोन की तार भी साफ कर सकते हैं, फिर या फिर मिक्सी की तार या ब्लेंडर की तार, कोई भी तार को हम इस तरह से साफ कर सकते हैं। तो आइए साफ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक व्हाइट कलर का हैंकी लिया है ताकि आपको मैल दिखा सकूँ। आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं और उसके ऊपर मैंने लगाया है थोड़ा सा व्हाइट टूथपेस्ट, और पेस्ट हर घर में होता है। तो अभी मैंने कपड़े के ऊपर सिर्फ पेस्ट लगाया है और उसी से हम तार को साफ करेंगे, तो इससे सारी मैल निकल जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि तार के ऊपर कितनी मैल है। और इसी तरीके से आप किसी भी तरह की कोई माइक्रोवेव की तार हो या फिर एसी की तार हो, ब्लेंडर, मिक्सी, किसी भी तार को आप इसी तरीके से साफ कर सकते हैं, चाहे वो ब्लैक कलर की हो या फिर व्हाइट कलर की, इसी तरीके से साफ कर सकते हैं। तो एक से दो बार हम इस तार को इसी तरह पेस्ट लगाकर साफ करेंगे। तो आप मैल देख सकते हैं कि तार के ऊपर कितनी मैल थी। तो थोड़ा सा पेस्ट मैं और लगाऊंगी और एक बार फिर से मैं तार को साफ करूंगी। आप भी इसी तरीके से अपने घर की किसी भी तार को साफ कर सकते हैं, क्योंकि तार को हम पानी वगैरह से तो साफ कर नहीं सकते। तो इस तरीके से आप साफ करके जरूर देखें। तो देखिए तार के ऊपर कितनी ज्यादा मैल है। और कभी भी चार्जर की तार को साफ करने का ख्याल भी नहीं आता। दो से तीन बार मैंने तार को साफ कर लिया है, आप देख सकते हैं मैल कितनी निकली है। तो अभी कपड़े की साइड को चेंज करेंगे और कपड़े को हल्का सा गीला करेंगे। थोड़ा सा पानी मैंने लगाया है ताकि तार के ऊपर जो पेस्ट लगा हुआ है उसे हम निकाल दें, तार को अच्छे से पोंछ देंगे। और फिर पेस्ट लगे हुए कपड़े से ही हम चार्जर के अगले हिस्से को भी साफ करेंगे। तो लीजिए चार्जर पूरी तरह से साफ हो गया है और मैल भी पूरी निकल गई है। आपको ये तरीका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस तरीके को ट्राई जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूजफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।